इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेस में हम क्वेरी कैसे प्लान करते हैं, यानी अगर हमने कोई भी क्वेरी अप्लाई करनी हो अपने डेटाबेस में तो हमें उसके लिए पहले थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्वेरी में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है और आपको उसका आंसर मिल जाएगा, बल्कि आपको एक पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे प्लानिंग करनी है किसी भी क्वेरी के लिए। सबसे पहला काम क्या है, स्टेप नंबर वन, कि आपने क्वेश्चन डिफाइन करना है जो कि आप पूछना चाहते हैं। ये आपका स्टेप नंबर वन है। लेट सपोज कि अगर आप एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक डेटाबेस है, उसमें आप ये पूछना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स जो हैं वो 70% से ज़्यादा हैं। अब ये आपका एक क्लियर एक क्वेश्चन है। इसी तरह अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लेट सपोज एक कंपनी है, उसमें कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन डिफाइन करना है जो कि आप पूछना चाहते हैं। जब आप क्वेश्चन डिफाइन कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि फिर आपने क्या करना है कि आपको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। ऐसे कि अगर हम कस्टमर और ऑर्डर की बात करें कि ये वो कौन से कस्टमर हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, ये जिन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है वो कौन से कस्टमर्स हैं, तो हमें इसमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। इसमें हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, इसी तरह जो ऑर्डर उसने प्लेस किया है वो ऑर्डर कौन सा है, उसकी आईडी क्या है, ऑर्डर नेम क्या है, किस प्रोडक्ट को का उसने ऑर्डर किया है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन पूछने के बाद अगला काम क्या है कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी हमने लिस्ट बना लेनी है। तो स्टेप नंबर टू का फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है वो कौन से टेबल्स में मौजूद है, यानी हमें टेबल्स का पता चल जाता है जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। और फिर उन टेबल्स में से हम सिलेक्टेड कॉलम्स या सिलेक्टेड फील्ड जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चौथा जो इसका स्टेप्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी चौथा स्टेप जो है ये ऑप्शनल है, कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है और कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर अगर हम एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो उस डेटाबेस में लेट्स सपोज कि वो एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस में हमें चाहिए उन स्टूडेंट्स का डाटा जिनकी एज जो है वो 20 ईयर्स से ग्रेटर है। तो ये क्या है, ये दरअसल एक क्राइटेरिया है। तो ये इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फोर्थ स्टेप में वो क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, वो कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्राइटेरिया दरअसल क्या होता है, वो एक कंडीशन होती है जिस बुनियाद पर आप डाटा फिल्टर करते हैं। तो वो स्टूडेंट जिनकी एज 20 ईयर से ज़्यादा है तो पूरे स्टूडेंट के टेबल में से वो स्टूडेंट जो हैं वो अलग हो जाएंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे जिनकी एज 20 ईयर से ज़्यादा है। तो ये क्या है, क्राइटेरिया है। तो बाज़ औक़ात क्राइटेरिया जो होती है, कंडीशन जो होता है, कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और कभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चौथा स्टेप जो है ये ऑप्शनल है, इसको हम अलग-अलग जाके आगे चल के भी सीखेंगे। तो ये वो चार स्टेप्स हैं जो कि आप जिसकी मदद से आप एम एस एक्सेस में क्वेरी प्लान करते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज कि हमारा यहाँ पे एक डेटाबेस है जिसके अंदर कस्टमर्स की और एम्प्लॉयज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, इसके अंदर जो क्या करती है कि एक प्रोडक्ट सेल करती है। तो उसके जो कस्टमर्स होंगे उनका डाटा स्टोर होगा, जो ऑर्डर्स होंगे उनका डाटा स्टोर होगा, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस में स्टोर है। अब ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस में हम पहला स्टेप अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप यहाँ पे ये है कि आपने क्या करना है कि इस डेटाबेस में क्वेश्चन पूछना है कि क्या क्वेश्चन बेसिकली आप पूछना चाहते हैं इस डेटाबेस से। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे ये है कि हमें वो कस्टमर्स चाहिए जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। अब देखें कि एक कंपनी है, उसके साथ उसमें बहुत सारे कस्टमर रजिस्टर्ड होंगे, काफ़ी कस्टमर ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया या जिन्होंने कभी अभी तक ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन वो कंपनी के कस्टमर्स हैं, लेकिन हमें उन कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो फिर क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा स्टेप नंबर वन है। स्टेप नंबर टू में हमने क्या करना है कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हमें कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए होगा।
कस्टमर की हमें जो है वो एटलीस्ट उनका नेम पता होना चाहिए कि वो कौन से कस्टमर्स हैं, एटलीस्ट हमें उनका नेम पता होना चाहिए, और जो ऑर्डर उन्होंने दिया है एटलीस्ट उन ऑर्डर की आईडी मुझे पता होनी चाहिए। तो ये आपका स्टेप नंबर टू है जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। स्टेप नंबर थ्री क्या था? स्टेप नंबर थ्री में हम क्या करते हैं, हमें उन टेबल्स का पता चल जाता है जहाँ से हमने डेटा हासिल करना है। तो वो टेबल्स कौन से होंगे, एक कस्टमर का टेबल होगा और एक ऑर्डर का टेबल होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने DBMS में इन दोनों टेबल्स का आपस में एक रिलेशनशिप बनाते हैं। यहाँ पे जो आपको ये लाइन शो हो रही है ये दरअसल किस चीज की लाइन है, ये दरअसल लाइन है रिलेशनशिप की। इसमें क्या हुआ है कि एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में आके जोड़ दी गई है उसकी फॉरेन की के साथ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है ये दरअसल क्या है, प्राइमरी की, और यहाँ पे कस्टमर आईडी ये क्या है, फॉरेन की। तो हमने प्राइमरी की को फॉरेन की के साथ जोड़ा है, यहाँ पर रिलेशनशिप बन रहा है वन टू मैनी। इसका मतलब ये हुआ कि एक कस्टमर जो है वो मैनी ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। और अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में हम देखें तो एक ऑर्डर जो है उसका ताल्लुक एक ही कस्टमर से होगा। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है वो किस चीज का बन रहा है, वो बन रहा है वन टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है। तो अब आपका ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले चैप्टर में एक रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप की टाइप्स क्या होती हैं। यहाँ हमने ये देखा है कि एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वन और यहाँ पे जो आपको ये सिंबल नजर आ रहा है किस चीज को शो कर रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे शो कर रहा है मैनी को। जब हम DBMS में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम इस चीज का डिसाइड करते हैं कि ये रिलेशनशिप वन टू वन होगा, वन टू मैनी होगा या मैनी टू मैनी होगा। तो यहाँ पे जो हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया है वन टू मैनी रिलेशनशिप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कि हमने चौथा स्टेप था हमारा कि हमने क्राइटेरिया कोई रखना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें इस चौथे स्टेप की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कस्टमर चाहिए, उन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो चाहिए। अगर हमें यहाँ पे वो कस्टमर चाहिए होते जिन जिनका ताल्लुक लेट सपोज पाकिस्तान से है, वो कस्टमर जिनका एड्रेस पाकिस्तान है, तो फिर यहाँ पे मुझे चौथा स्टेप अप्लाई करना पड़ता, क्राइटेरिया। यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि वो कस्टमर जिनके एड्रेस में क्या आता है, पाकिस्तान आता है, मुझे वो कस्टमर चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमें सिंपल वो कस्टमर चाहिए जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये हमने चारों स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो होगा ये कि कस्टमर जैसी रिलेशनशिप क्रिएट होगा तो कस्टमर का टेबल जो है उसमें जो नेम का सेक्शन है वो लिंक हो जाएगा ऑर्डर के सेक्शन के साथ। ये एक कस्टमर है, इसने ये ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ये कस्टमर है, इसने ये ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ये कस्टमर है जिसने तीन ऑर्डर प्लेस किए हैं जिनकी आईडीज ये हैं, उसके बाद ये कस्टमर है, इसने ये ऑर्डर प्लेस किया है, ये कस्टमर है और इसने ये ऑर्डर प्लेस किया। लेकिन ये जो दो कस्टमर्स हैं इन्होंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें वो कस्टमर चाहिए जिन्होंने सिंपल ऑर्डर प्लेस किया है। अब ये जो इनके दरमियान लिंक हो रहा है, इसके पीछे जो रोल प्ले हो रहा है वो दरअसल इस प्राइमरी की का और फॉरेन की का है। ये चूंकि आपस में एक दूसरे साथ कनेक्टेड हैं तो इस वजह से हम मैप कर सकते हैं कि किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये तमाम कस्टमर्स आ जाएंगे, इनकी ये ऑर्डर्स जो इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया वो आ जाएंगे। और यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है कि कस्टमर था इसका ये ऑर्डर था और ये कस्टमर था इसका ये ऑर्डर है, ये जो कस्टमर था इसने तीन ऑर्डर किए हैं, तो इसकी ऑर्डर आईडी इस तरह से आपके सामने दी हुई है। तो बाद में DBMS क्या करता है, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा, ये हमारा फाइनल क्वेरी का रिजल्ट है, ये वो कस्टमर्स हैं और ये इनकी ऑर्डर आईडी है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो ये कस्टमर है ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसने यहाँ पे तीन ऑर्डर्स किए हुए हैं। तो ये जो हमारे पास टेबल यहाँ पे बना है ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, ये हमारी क्वेरी का जो है वो फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम जो है वो क्वेरी को प्लान करते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि हम कैसे किसी भी MS Access क्वेरी को कैसे प्लान करते हैं।